अस्सलामुअलैकुम। कराची में बच्चों को तेज मोटरसाइकिल चलाने से रोकने पर झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से दो सगे भाई जाबाक हो गए, इलाके में कोहराम मच गया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके इतिहाद टाउन खान मोहम्मद चौक के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग के नतीजे में दो सगे भाई जावाहक हो गए। मक्तूलीन की शनाख्त हुसैन अमीन और फारूक अमीन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि फायरिंग का वाकया दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में रोनुमा हुआ। मक्तूलीन खान मोहम्मद कॉलोनी के रिहायशी और आबाई ताल्लुक मर्दान से था। पुलिस का कहना था कि झगड़ा बच्चों को तेज मोटरसाइकिल चलाने से मना करने पर हुआ। मक्तूलीन एक पापड़ बनाने वाले कारखाना चलाते थे और फायरिंग का वाकया मक्तूलीन के कारखाने के करीब पेश आया। मक्तूल फारूक पांच बच्चों का बाप था और मक्तूल हुसैन दो बेटियों का बाप था।